श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को मिले वृंदावन धाम। तो स्वागत है आप सभी का मथुरा वृंदावन की इस पवित्र धरती पे। दोस्तों, अगर भारत के आप किसी भी कोने से मथुरा या वृंदावन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे आप मथुरा में एकदम सस्ते में और अच्छे होटल में आप यहाँ पे कहाँ रुक सकते हैं। आपको होटल से भी बेटर फैसिलिटी आपको यहाँ रेलवे स्टेशन पे मिलने वाली है। यस, मथुरा जंक्शन पे। तो यहाँ पे आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। रिटायरिंग रूम वो जगह होती है, यहाँ पे आप स्टेशन पे रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा भी आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इसको आपको ऑनलाइन बुक करना होगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको मिलेंगी। तो हम इसको अब बुक करते हैं। इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है, आपके पास आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको PNR नंबर रिक्वायर्ड होगा कंफर्म टिकट का। सबसे पहले आपको सर्च करना होगा गूगल पे IRCTC रूम। सेकेंड नंबर पे जो वेबसाइट दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, IRCTC रिटायरिंग रूम। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। आप नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना PNR नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपकी टिकट की जो बुकिंग डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। डेस्टिनेशन हमारा होगा यहाँ पे मथुरा, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे मथुरा। इसके बाद आप अपनी चेक इन डेट और चेकआउट डेट यहाँ पे डालेंगे। चेक इन डेट और चेकआउट डेट आपके टिकट के आसपास की ही रहेगी, ये आपको डेट्स हैं, इन्हीं में आप रूम बुक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे बेड टाइप सेलेक्ट करेंगे। बेड टाइप आप डोरमेट्री डबल कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने डोरमेट्री सेलेक्ट कर लिया है। कोटा आप जनरल डाल सकते हैं, अगर आप वुमेन हैं तो लेडीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद AC स्टेटस में ऑल डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे चेक पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगी। अब हम इसको बुक कर रहे हैं 12 आवर्स के लिए। ये आपको रूम नंबर्स और बेड नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे आप दो लोग हैं तो दो अलग अलग बेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एक हमने 11A ले लिया है यहाँ पे 12 आवर्स के लिए। टाइमिंग आपको दे रखी है 22:00 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 8 बजे से है और रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से आप 11B में दूसरा बेड आप सिलेक्ट कर लेंगे। 11B मतलब ये दूसरा बेड आपका रहेगा। इसमें भी हम 12 आवर्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक लिए रहने वाला है। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करें तो यहाँ पे आपको इसका टैरिफ दिख रहा है 95 रुपीज़। ये आपका है 12 घंटे का, और अगर आप 24 घंटे के लिए बुक करते हैं तो 143 रुपीज़ का ये आपको नेट यहाँ पे पड़ने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, नॉन AC लिया है, गीज़र मिलेगा, कॉमन टॉयलेट है इंडियन, एंड इसके अलावा आपको लॉकर भी यहाँ पे मिल रहा है। ध्यान रखें अपना ताला और चाबी अपने साथ लेकर के आए सिर्फ। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। GST वाले ऑप्शन में नो कर दीजिए। इसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल इसमें फिल करेंगे, आपका नेम, आपका सरनेम, आपकी कंट्री, स्टेट, सिटी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे नीचे। अब इसके बाद आप एक बार अपना फाइनल चेक कर लीजिए। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ चुकी हैं। दो लोगों के लिए 95 टैरिफ लगा है इसमें, और इसको एक बार आप देख लीजिए आपको क्या क्या इसमें सब कुछ मिला है। अब पेमेंट के लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पे आप क्लिक कर दें। इसके बाद मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। टोटल अमाउंट जो है वो आपको इसमें दिख रहा है 214 का, दो लोग के लिए है। आपकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आ गई है, और इसके अलावा नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, फ़ोनपे आप किसी से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे हम फ़ोनपे पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे, ओके कर देना। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, ये आपका ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना UPI या फिर फ़ोन नंबर से आप डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट अपना कर सकते हैं। इसकी रिसिप्ट आप अपने पास रख लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और यहाँ पे जब आप स्टेशन पे जाएंगे तो यही आपको वहाँ पे दिखाना रहेगा। इसके अलावा ये रिटायरिंग रूम आप स्टेशन से जाकर के भी रिजर्वेशन काउंटर से बुक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन ऑनलाइन ऑफलाइन आपके लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। मथुरा वृंदावन की और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।